नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही है। यूपी के बदायूं में पुलिस की छापामार कार्रवाई में ट्रैक्टर ट्राली में भरकर ले जाया जा रहा 12 क्विंटल डोडा पाउडर पुलिस ने बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके दो साथी झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बरामद डोडा पाउडर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने इसे सराहनीय कदम बताते हुए पुलिस कर्मियों को 25,000 रुपए की नकद धनराशि देकर उन्हें पुरस्कृत किया और उनकी पीठ थपथपाई। एसएसपी संकल्प शर्मा के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण कुमार चौहान के प्रवेक्षण में सीओसीटी विनय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सर्विलांस प्रभारी राम गोपाल शर्मा व एसओजी प्रभारी धीरज सिंह सोलंकी की सूचना पर थाना सिविल लाइन्स प्रभारी निरीक्षक सुधाकर पांडे मय पुलिस टीम के गांव चंदऊ के पास से ट्रैक्टर ट्राली में बोरों में ले जाया जा रहा डोडा बरामद कर दो तस्करों को हिरासत में ले लिया, जबकि उनके दो साथी मौका पाकर भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार दोनों तस्कर गाँव चंदऊ के मोहित पटेल व धर्मेंद्र बताया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में उन्होंने अपने साथियों के नाम भी उगल दिए, जिनकी पुलिस तलाश में जुट गई है। एसएसपी संकल्प शर्मा ने इस कार्रवाई पर टीम की पीठ थपथपाई और 25,000 रुपए की नकद धनराशि देकर पुलिस टीम को सम्मानित किया। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। देखें विशेष रिपोर्ट। सर, डोडा पकड़ गया थाना सिविलान क्षेत्र में, कितने लोग पकड़े गए, क्या कार्रवाई है? देखिए, जनपद बदायूं में थाना सिविलान क्षेत्र में एसओजी सर्विलांस प्रभारी और एसओजी प्रभारी का थाना प्रभारी सिविल लाइन्स के द्वारा रामचंदौ में भारी मात्रा में डोडा की बरामदगी की गई है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, दो भी फरार हैं। कितना डोडा बरामद? 12 क्विंटल 10 किलोग्राम डोडा बरामद। क्या कीमत होगी सर इसके? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की कीमत है। पुलिस ने कोई इनाम वगैरह? हाँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरी टीम को 25,000 का पुरस्कार दिया गया।